दिल्ली में 8 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले अब शाहीन बाग में फायरिंग को लेकर घमासान मच गया है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे पर गंदी राजनीति करने के आरोप लगा रही हैं। गोली चलाने वाले युवक की आम आदमी पार्टी नेताओं के साथ तस्वीर सामने आने पर बीजेपी ने कहा है कि अब केजरीवाल की पार्टी बेनकाब हो गई है। वहीं आपके वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इसे बीजेपी की डर्टी पॉलिटिक्स बताया है। वहीं आरोपी के पिता ने कपिल के आपसे रिश्ते होने की बात को सिरे से खारिज कर दिया है। दरअसल दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शन स्थल से कुछ ही दूरी पर हवा में फायरिंग करने वाले कपिल गुर्जर को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के मुताबिक आरोपी युवक आम आदमी पार्टी का सदस्य है। क्राइम ब्रांच को कपिल बैसला के मोबाइल से कुछ फोटोज भी मिले हैं। जो फोटो मिले हैं उसमें कपिल बैसला आप की नेता आतिशी और सांसद संजय सिंह के साथ नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, क्राइम ब्रांच को कुछ फोटोज और भी मिले हैं जिसमें कपिल के पिता गजय सिंह मनीष सिसोदिया के साथ नजर आ रहे हैं। पुलिस के सूत्रों की माने तो ये फोटो करीब एक साल पहले की है, जब कपिल बैसला और उसके पिता ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली थी। साल 2019 की शुरुआत में दोनों ने ही आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। उस वक्त कपिल और उसके पिता के साथ साथ कपिल के करीब एक दर्जन से ज्यादा साथियों ने भी आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली थी। इस वक्त कपिल बैसला क्राइम ब्रांच SIT की कस्टडी में है। पुलिस के इस दावे पर केंद्रीय मंत्री और दिल्ली के बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ये साबित करता है कि आप युवाओं को भ्रमित करती है और उन्हें गलत रास्ते पर धकेल रही है। आम आदमी पार्टी की रणनीति दो समुदायों को बांटने की है। मुद्दा साफ है, आज आम आदमी पार्टी बेनकाब हुई है। आम आदमी पार्टी के सदस्य ने, जिसने आम आदमी पार्टी के में पिछले साल प्रवेश किया था, उसने शाहीन बाग में गोली चलाई। यह आम आदमी पार्टी की साजिश इसलिए है कि तनाव बढ़े, एक समाज की सहानुभूति मिले, दूसरे समाज की बदनामी हो, इसके लिए ये किया हुआ युवाओं का गलत उपयोग है और युवाओं को कैसे उकसाती है इसका ये उदाहरण है। और कैसे ट्यूटरिंग करती है, क्योंकि व्हाट्सएप के सारे फोटो निकालने को जो इरेज किए गए वो किसके सलाह पर किए गए, और इसलिए फोटो सही है, आदमी सही बोल रहा है, युवक को उकसाया गया है, और इसलिए आज आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बेनकाब हुई है।